बागपत जिले से ऐसा मामला सामने आया है जहां बाइक पर सवार दंपत्ति से लिफ्ट लेकर एक युवक ने जानलेवा हमला करते हुए बाइक सवार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस वारदात को प्रेम पसंद के चलते होना मानकर चल रही है। कोतवाली बड़ोत इलाके का मामला है जहां मलकपुर गांव का रहने वाला युवक राकेश पुत्र वीर सैन की दो महापूर्व दोघट थाना इलाके के गांव में शादी हुई थी और आज वे अपनी पत्नी प्रीति के साथ मोटरसाइकिल पर अपनी ससुराल से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी और जैसे ही वे अपने गाँव मलकपुर के पास पहुँचने ही वाला था तो लिफ्ट लेने वाले युवक ने राकेश पर गोलियां चला दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसकी हालत गंभीरता को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना के पीछे प्रेम पसंद मानकर चल रही है और एएसपी बागपत का कहना है कि जिस युवक ने हमला किया उसे घायल युवक की पत्नी जानती थी और पत्नी के कहने पर ही आरोपी युवक को लिफ्ट दी गई थी। वारदात को प्लान बनाकर ही अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पीड़ित की पत्नी से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। गोली मारी गई, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आज थाना बड़ौत के मलकपुर के रहने वाले हैं एक व्यक्ति, आज अपने ससुराल से अपनी पत्नी के साथ बाइक पर आ रहे थे। उनके गांव के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही संभवतः वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी थी। जब ये रास्ते में आ रहे थे उनके साथ एक युवक और भी लिफ्ट लिया था और लिफ्ट लेने वाला युवक जो है वो उनकी पत्नी को जानता था, जैसा कि जो जिनको गोली लगी उन्होंने खुद बताया है कि जो इनके साथ इनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि इसको अपनी गाड़ी पर बैठा लो, उनको वो जानती थी, उनकी पत्नी ने भी हामी भरी कि हाँ मैं इसे जानती हूँ। और उस तीनों वहाँ से बीच रास्ते से लेकर के गांव की जब तरफ जा रहे थे रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवाई, रुकवाने के बाद युवक और जो घायल हैं इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई, उस बात के बाद उसने समझते इनके ऊपर गोली चला दी। इनको चोट लगी है, इलाज के लिए हम लोगों ने इनको मेरठ भेज दिया है, अभी खतरे से बाहर हैं। इन्होंने अपने सारे बयान हम लोग को दिए हैं और जिस व्यक्ति ने इनके ऊपर अटैक किया है वो इनकी पत्नी को जानता है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और छानबीन कर रहे हैं, तत्काल उसकी गिरफ्तारी होगी और जो भी ये लिख कर देंगे उसके हिसाब से ग्रीन कलर। प्रथम दृष्टया क्या सामने आया? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लान के तहत इनके ऊपर अटैक किया गया और जो इनके साथ इनकी पत्नी आ रही थी, पत्नी उस लड़के को जानती है जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। पहले कोई विवाद था क्या सर? नहीं, अभी तक तो विवाद समझ में नहीं आया है, लेकिन पत्नी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद पता चल। अब देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा। सर, जिस युवक की गोली मारी है वो क्या करते हैं? वो अभी उनके काम धाम के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन संभवतः मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, खेती बाड़ी करते हैं। थैंक यू।